हिमाचल अपडेट में आपका स्वागत है। जिला कांगड़ा के अंतर्गत नूरपुर में भाजपा की एक बैठक का आयोजन वन मंत्री राकेश पठानिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए राकेश पठानिया ने कहा कि नूरपुर में एसपी का कार्यालय खुलने से नशे के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि नूरपुर और इंदौरा विधानसभा पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ सटा हुआ क्षेत्र है और आज के दौर में इन क्षेत्रों में नशे का कारोबार, खनन माफिया और अन्य क्राइम चरम सीमा पर है, जिन्हें धर्मशाला कार्यालय से कंट्रोल करना टेढ़ी खीर थी। ऐसे में नूरपुर में एएसपी कार्यालय खुलने से इस क्षेत्र में पुलिस फोर्स की तादाद बढ़ने से नशे के साथ साथ अन्य क्राइम पर लगाम में मदद मिलेगी। ठानिया ने कहा कि नूरपुर और इंदौरा थाने में पुलिस कर्मियों पर इतना बोझ है कि उन्हें अपनी वर्दी बदलने का वक्त नहीं मिलता। ऐसे में कर्मियों की तादाद बढ़ने से उन्हें ड्यूटी में आराम भी मिलेगा, वही काम का बोझ कम होने पर वो ज़्यादा संजीदगी से अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। पठानिया ने कहा कि पहले अक्टूबर से एसपी नूरपुर में बैठेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोरोना काल खत्म होता है तो उनकी प्राथमिकता रहेगी कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से जहां पुलिस मुख्यालय खुलवाकर एसपी को नूरपुर में बिठाएं। पठानिया ने कहा कि नूरपुर को जिला बनाना उनकी प्राथमिकता में रहा है। ऐसे में नूरपुर में एएसपी कार्यालय की मंजूरी इसकी शुरुआत है। उन्होंने कहा नूरपुर, इंदौरा, ज्वाली, फतेहपुरा और चंबा जिला की बटियात विधानसभा को जोड़कर नूरपुर को जिले का रूप दिया जा सकता है, जिसके लिए वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार करेंगे। देखिए, मेरी बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी कि नूरपुर में क्राइम का जो है रेट बहुत हाई है और इलीगल माइनिंग है, ड्रग्स हैं, क्राइम है, रेवेन्यू केसेस हैं और इन सब के लिए नूरपुर जो है धर्मशाला मुख्यालय से बहुत दूर है और पूरा का पूरा हमारा जो बॉर्डर है वो पंजाब के साथ और जेल के साथ लगता है और जस्टिफिकेशन नहीं बनता केवल धर्मशाला से अधिकारी बैठ के नूरपुर के क्राइम को, क्योंकि थाना नूरपुर का भी और इंदौरा का भी इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, वो भी अमूमन पूरी नहीं होती और हमारे तो डीएसओ, डीएसएचओ, एसएचओ और डीएसपी की जो वर्दी भी निकलती, इस करके हमारा ये लगातार मांग चलती आ रही थी। कोविड की वजह से, क्योंकि फाइनेंसिस की थोड़ी कमी आ रही है, उसकी वजह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने हमारी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को जो है लगभग जो है एडिशनल एसपी का एक पोस्ट को यहाँ पे स्वीकृत करके उनको यहाँ पे बैठाया है। अब एडिशनल एसपी पहली तारीख से नूरपुर में बैठ जाएंगे और उनके तुरंत बाद जो है हमारी कवायद आगे बढ़ेगी और जैसे कोरोना काल खत्म होता है तो उसके बाद मेरा प्रयास रहेगा कि हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और यहाँ पे एसपी का भी कार्यालय यहाँ खोलें ताकि जो पुलिस जिला है वो पूरी तरह से संपूर्ण हो। इसमें हमने तो ये प्रपोजल ये भी दिए कि भटियात को भी इसमें ऐड किया जाए ताकि अच्छा 5-6 थानों का एक बड़ा पुलिस जिला बने और एक एफिशिएंट तरीके से कल को हम उसको आगे जो है डीसी को बैठा के उसको एक जिले के अंदर तब्दील करने का प्रयास करें। मैं ये लड़ाई बहुत सालों से लड़ रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हम ये करने में कामयाब होंगे। अभी फिलहाल एक पहल हुई है, जिस पहल के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद।